ये का तो लग रहा है चांस का। पिछली बार 39 सीट जीती और इस बार दावा कर रही है 40 सीट लेकर जाएंगी। देखिए ना, उम्मीद तो लग रही है 40 सीट लेकर जाएगी। देखिए है उम्मीद, चांस तो है। पहले से भ्रष्टाचार अभी कम हुआ है। किसकी सरकार में? सरकार किसकी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ। नरेंद्र मोदी का है? नरेंद्र मोदी का है। हाँ, पूरा नहर है। एनडीए को क्या लगता है इस बार कितनी सीट मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, कितनी सीट मिलेगी? सीट तो हमें लगता है पूरा बहुमत से है। पूरा बहुमत? हाँ, पूरा बहुमत से। लेटिंग दिया है, गैस दिया है। अच्छा, गैस जो महंगा हो गया है? महंगा हो गया है तो सस्ता करने वाला वह है ना। पेंशन मिलता है? पेंशन भी मिलता है। अच्छा। उसके बाद गांव भी रोड ढला गया है। मोदी सरकार से हम लोग बहुत सहमत है। मैम, जीतने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, जो पब्लिक के न्याय में हित में काम करेंगे वो आएंगे। पब्लिक सब जानती है कि हमारे लिए कौन काम कर रहे हैं, और ये ओपन करना भी ठीक नहीं है अभी। तो हमारे विचार से जो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, उनको आना चाहिए। कौन काम कर रहा है आपके हिसाब से? काम तो हमारे पदाधिकारी अधिकारी करते हैं, जैसा ऊपर से आदेश मिलता है। नाम तो किसी पार्टी का ही होता है ना, किस पार्टी ने ये काम? पार्टी तो मैम वो तो आदेश नीति बनाती है पार्टी, काम करने वाले तो अधिकारी होते हैं। अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो काम हो नहीं पाएगा, अधिकारी अगर अच्छा है तो काम अच्छा होता है। अच्छा। तो नीति कैसी भी हो, अगर अधिकारी भी भ्रष्ट हो या अच्छा हो, ये सरकार ही तय करती है ना कौन सी सरकार है। मैम बात सही है, वही है कि उसको देख के पब्लिक वोट करेगी या अपना जो भी फैसला करना होगा करेगी। आपके हिसाब से किसकी सरकार में भ्रष्टाचार कम होता है? ये तो बताना भी मुश्किल। जी जी। अच्छा। लेकिन पहले से भ्रष्टाचार अभी कम हुआ है। किसकी सरकार में? सरकार किसकी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ है। कम हुआ है? हाँ, पारदर्शिता आई है। अच्छा। हर जगह, ब्लॉक स्तर पे भी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी, मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट्स करना हो या बात करनी हो तो सीधा हम ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा सिस्टम अभी बन गया है। इस हिसाब से भ्रष्टाचार अभी कुछ कम हुआ। बीजेपी कह रही किस बार बिहार से 40 सीट लेकर जाएगी, क्या लग रहा है? मैम उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि कितना सीट ले जाएगी, क्या करेगी, लेकिन जिसको जो काम हुआ है वो उसके पक्ष में काम वोट देंगे करेंगे। तो जैसा कि मैं बताया, इसी हिसाब से लोग अपना काम करेंगे, फैसला लेंगे। किसको वोट देंगे इस बार? इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, नहीं देंगे वोट? कहा देंगे, महिलाएं ज्यादा ही हैं इस बार। देंगे वोट, देंगे ना। किसको वोट देंगे? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कि किनको हम देंगे। अच्छा, किसका काम अच्छा लगा है आपको बिहार में? बिहार मोदी जी को बोले ना। मोदी जी का काम अच्छा लगा? हाँ, ठीक। कहाँ से आई हैं आप ये बताइए? हम अरवल जिला से हैं। अरवल जिला से हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार किसकी लहर है, लालू प्रसाद यादव की या नरेंद्र मोदी? उनको सब पूछिए। क्या कह रहे हैं? लहर तो अभी नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का है? हाँ, पूरा लहर है। एनडीए को क्या लगता है इस बार कितनी सीट मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, कितनी सीट मिलेगी? सीट तो हमें लगता है पूरा बहुमत से है। पूरा बहुमत? हाँ, पूरा बहुमत से है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। महागठबंधन जो है इतने है, लड़ रहे हैं, मगर घी खिचड़िया सरकार बनाएगी, वो बनेबो करेगा था। बनेगी कि नहीं सरकार? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं घी खिचड़िया सरकार है, त्रिकोणीय सरकार है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या चाची, किसको वोट देंगे इस बार? नहीं देंगे किसको देती है वोट? वोट तो देवे न करेंगे किसको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को काम अच्छा लग रहा है? नरेंद्र मोदी का? हाँ, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? सब चीज तो अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा? फिर भी एक होता है ना कि अच्छा लगा नरेंद्र मोदी का तो वोट दे रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे वोट दे देना है। बताइए, महिलाएं अपने बारे में नहीं सोच रही है, सरकार के सब बच्चा बुतरू के लिए अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, इस बार अगर महिलाओं को कुछ मांग करनी हो केंद्र सरकार से कि ये मांग पूरी कीजिए तब हम वोट देंगे, तो क्या मांगेंगी आप सरकार से? सरकार से क्या मांगेंगे? बिहार में महिलाएं सुरक्षित लगती हैं आपको? अच्छा, क्या चाची इस बार किसको वोट देंगे? मोदी जी। क्या? मोदी जी को? बिहार में मोदी लहर है। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से? वहाँ मोदी जी को ही वोट देंगे? और यहाँ लालू प्रसाद यादव को वोट? नहीं नहीं नहीं, हमारा जिसका मन हैगा तिसका पर लेते हैं। अच्छा, मन है? मन है। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सारा काम। सब काम? हाँ। एक घर दिया है, लेटिंग दिया है, गैस दिया है। अच्छा।
गैस जो महंगा हो गया है। महंगा हो गया है तो सस्ता करने वाला वह है ना। अच्छा, सस्ता तो हुआ नहीं लेकिन अभी तो हुआ है। जहाँ कहाँ 1200 चले तहाँ अलिए 9 पर अल 9000 पर अल। अच्छा, 900 पे था? कुछ बोलना चाहते बोलिए। मोदी सरकार से खुश है, हम लोग का खाना पीना मिलता है, पैसा भी मिलता है और खाता भी खोला है, पेंशन मिलता है, पेंशन भी मिलता है। अच्छा। उसके बाद गांव भी रोड रोड ढला गया है। अच्छा। मोदी सरकार से हम लोग बहुत सहमत हैं। कितनी सीट जीते इस बार बिहार से? उत्तर बिहार से नहीं, हम यहीं आ रखा है। मोदी लोग को हम मोदी सरकार को वोट देंगे। मोदी कौन जीत रहा है बिहार में? NDA का तो लग रहा है चांस। पिछले बार 39 सीट जीती और इस बार दावा कर रही है 40 सीट लेकर जाएगी। देखिए, उम्मीद तो लग रही है 40 सीट लेकर जाएगी। देखिए, उम्मीद चांस तो है। महागठबंधन के हाथ में एक भी सीट नहीं है। नहीं लगता चांस। इतने बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, क्या होगा? थोड़ा सा कुछ दिक्कत है। नौकरी जो दी है 17 महीने। नौकरी हम लोग को नहीं मिला है, किसी को मिला है? मिला है हम लोग को नहीं। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में हम पटना की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिहार में कैसा माहौल है, बिहार की जनता क्या चाहती है, पटना की जनता क्या चाहती है और पटना की जनता को किस सरकार का काम कैसा लग रहा है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।